जोहार सती जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। स्वागत है आप सभी का हमारे इस फेसबुक लाइव में। अभी हम लोग रामगढ़ आए हुए हैं, राजगढ़ की माटी में रामगढ़। अभी हमारे साथ में देव महतो जी हैं, यूट्यूबर, जोहार कतियानी यूट्यूबर, और हमारे साथ आनंद केटियार दा हैं, जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी हैं। भाषा आंदोलन हो, खतियान आंदोलन हो, चाहे संस्कृति की बात हो, बढ़ चढ़ कर जो है नेतृत्व करते हैं, लोगों को समझाते हैं, जागरूक करते हैं, और आज भी तत्पर हैं। और फिर हमारे साथ आवाज़ उठाओ न्यूज से राहुल मदगदा हैं, जो जब भी कहीं पर कुछ भी समस्या होती है, लोगों के साथ साथ जो है हक अधिकार के जो है कुछ गलत होता है, तो उसमें बढ़ चढ़ कर जो है अपना न्यूज़ कवर करते हैं। अच्छा आनंद केटियार दा, हाँ दा, आज आपके घर आए हैं हम लोग, आपके गांव आए हैं रामगढ़, तो आपके क्षेत्र में लोगों का क्या व्यवसाय क्या होता है? देखिए यहाँ तो ज़्यादातर लोग खेती किसानी में, यहाँ तो ज़्यादातर लोग खेती किसानी पे ही आश्रित हैं, लोग खेती किसानी से ही अपना जीवन यापन पालन पोषण करते हैं। अच्छा अच्छा, और शिक्षा का जो है कैसा स्तर है इधर? शिक्षा का तो स्तर बहुत बुरा है, आपको तो दिखाएं सरकारी स्कूल में बच्चे कितने हैं। शिक्षा का तो भारी गिरावट, तो जैसे स्कूल तो देख रहे दादा, बहुत बड़ा एरिया में एकदम बना हुआ है, स्कूल तो बड़ा है, सुंदर दिख रहा है, पर शिक्षक नहीं है। अब शिक्षक नहीं रहेंगे, पढ़ाई का वैसा कुछ नहीं रहेगा, तो बच्चे कहाँ से रहेंगे? इसलिए आजकल गार्जियन भी देखते हैं प्राइवेट स्कूल में बच्चे लोग को डाल रहे हैं। अच्छा, आज उच्च स्तरीय पढ़ाई जैसे कि इंटरमीडिएट का हो जाए, ग्रेजुएशन के बाद, तो कहाँ से जाते हैं, कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, कहाँ यहाँ के बच्चे? सारा रामगढ़ टाउन जाते हैं, रामगढ़ में, रामगढ़ एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी तो है नहीं अपना रामगढ़ जिला में, पढ़ने के लिए ज़्यादातर लोग हजारीबाग, रांची, रामगढ़ जाते हैं। कितना दूर पड़ता है इधर से? यहाँ से रामगढ़ का दूरी लगभग 17-18 किलोमीटर है। 17-18 कुछ बच्चियाँ तो डेली अप डाउन करती है, कुछ बच्चे रेंट रूम में रहते हैं, यहाँ से अपना दाल चावल जो भी अपना साग सब्जी प्याज ले जाके अपना पढ़ाई पूरा कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में अपन हम लोग घूमे अभी साथ में सुबह के समय, तो देखा कि काफ़ी सारे लोग जो है खेती में जो है बाड़ी में अपना सब्जी वगैरह ये सब जो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सुबह सुबह सब उठ करके जो है अपने काम में लग गए। ये सब क्या सिर्फ घर के लिए जो है काम काज होता है, या ये सब कहीं बेचने के लिए भी ये सब जो है करते जाते हैं लोग? हाट बाजार जाते हैं, रामगढ़ बाजार जाते हैं, माइल स्टेशन है वहाँ पे लोग जाते हैं अपना। देखिए यही एक साधन है किसानी का, 2 रुपया बाल बच्चा को अपना खिलाना, पढ़ाना लिखाना, कपड़ा लत्ता के लिए यही रोजगार है अपना किसानी। अच्छा वाला बता दीजिए, कितना यहाँ जो हम लोग आए हैं और नहाने कहाँ जा रहे हैं? साबुन उबुन देखिए हम लोग कुल प्रकृति में आए हैं। देखिए सामने एक हमारा बारी में पानी पट रहा है, खेती भी हो रहा है, खेती हो रहा है, बस वही पानी का इधर कोई समस्या नहीं है ना? पानी का समस्या, मेहनत करके तो हम लोग कुआं करते हैं, सिंचाई का। अगर बोकारो की अगर बात किया जाए तो क्या कि जो शहरी क्षेत्र है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में तो लगभग ठीक ठाक है पानी स्तर का, लेकिन जब थोड़ा बाहर तरफ जाते हैं तो जलस्तर जो है वो बहुत नीचे है, प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है, प्रकृति के उसमें जो है हम लोग प्रकृति बचा रहे हैं तभी तो है। अभी इतने अभी लग रहा है जीव जंतु, मतलब कि पेड़ पौधा कहीं ना कहीं ऑक्सीजन दे रहा है। देखिए अभी हरियाली, हम लोग का रामगढ़ में हाथियों का देखे होंगे झुंड 40 कहर सुने होंगे, क्या है पूरा जंगल काटा जा रहा है, कुछ भी तरह से गांव में आ गया, गांव शहर में तो गांव में अतिक्रमण हो ही रहा है, साथ ही साथ जंगल में अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए जानवर भी भाग के आ रहे हैं। अच्छा एक और एक चीज पूछना चाहेंगे, संस्कृति के क्षेत्र में यहाँ का कैसा है? संस्कृति के क्षेत्र में देखिए पुराना संस्कृति तो अभी भी जिंदा है, ऐसा नहीं है, पर जो पढ़े लिखे लोग हैं बाहरी दुनिया में शहर में रहने लगे, वो लोग बाहरी संस्कृति को ले आए, नहीं तो हमारा संस्कृति आज भी जिंदा है, लेकिन साथ साथ बाहरी संस्कृति को भी कुछ मिला दिए हैं लोग। अच्छा राहुल मदगदा, आप थोड़ा सा कुछ पूछिएगा। दादा हम लोग आए थे रामगढ़ जो कि चुनावी मुद्दा में ही हम लोग आए हुए थे, और जैसे कि आपको देखा जाता है कि आप हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, यहाँ पर रामगढ़ में बहुत सारे प्रत्याशी है जो कि यहाँ पर खतियानी लोग ही है, तो आप लोग किसको समर्थन करेंगे जबकि आप लोग खतियानी का ही समर्थन आंदोलन किए हैं, समर्थन किनका रहेगा? देखिए आज तक जितने भी नेता रहे या कोई भी पार्टी रहे, सबने ठगने का काम किया, यहाँ के आज देख सकते हैं आदिवासी मूलवासी लड़के हैं लड़कियाँ हैं बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, ना शिक्षा का कोई बात होता है,
ना नियोजन का बात होता है। बेरोजगारी इतना चरम पे है कि लोग पीजी करके खेती बाड़ी कर रहे हैं। वो बच्चा देखिए, वो ग्रेजुएट है, वो पानी पटा रहा है, देख सकते हैं आप कि वो ग्रेजुएट है, पानी पटा रहे हैं, ग्रेजुएट होके किसानी पे लगा हुआ है, क्या होगा इससे? आपका अगर पंचायत का बात करें, जो उसरा सोसो पंचायत है, इस पंचायत में हम लोग दूर दूर तक देखें तो अस्पताल कहीं नज़र नहीं आया। आखिर किसका इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर अस्पताल यहाँ नहीं है। ये आप बढ़िया बात बोले, हम लोग को अगर कोई बीमार पड़ जाता है ना तो फट से रामगढ़ 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। अगर अचानक में अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो हम लोग को लगता है कि बचाना बहुत मुश्किल हो जाता कोई है। कोई माँ बहन अगर प्रेग्नेंट है तो उसको कहाँ लेके जाते हैं आप लोग? सीधे रामगढ़ सदर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, 20 किलोमीटर दूर। 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इतना 22 साल का 23 साल का झारखंड में अभी तक भी हम लोग 22 किलोमीटर दूर हम लोग को किसी माँ बहन को प्रेग्नेंट के लिए ले जाना पड़ता है, कितना दुख की बात है। हाँ, दुख का बात तो है। एक चीज़ यहाँ हमको आके अच्छा लगा, इस गांव में घूमे, आनंद केटियारदा का गांव में सबसे अच्छा लगा कि यहाँ के लोग ना अपना मतलब कि किसी पे निर्भर नहीं करते हैं, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट है। एक और चीज़ हम देखें, हमारा झारखंड यहाँ जैसे कि यहाँ के आदिवासी मूल निवासी बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई में पिछड़ा में या फिर रोजगार में, हम देखें गाँव में आप देखते हैं कि जेरोक्स दुकान, LIC वाला या फिर पैसा निकासी जमा, मिनी बैंक, आटा गेहूं पिसवाना हो चाहे कोई भी, ये सब छोटा मोटा दुकान जो होता है जो कि हम लोग के लिए हाट बाज़ार जाना पड़ता है, इन लोग का अपना गांव में खुद कोई महिलाएं अगर कुछ अपने से पढ़ी लिखी हैं तो अपने से कुछ एक रोजगार के साधन या दुकान खोलकर अपने गांव के सीमित क्षेत्र में। और सबसे अच्छा लाग लो कि जो यहाँ आए के कि दादा गोरेंज के दतुन एकदम गाछ है बढ़िया तोड़ली हमने सबके ऊँचे कुचे के पूरा तो चापी चापी एकदम उछली उछली एकदम। और एलवा बारी में अभी हमने बैठा लिया, आठ टाइम में बैठा लिया एलवा बारी में, और कितना अच्छा देख सकते हैं इधर सरसों का जो अच्छा, यहाँ के लोग आनंद। 23 साल का झारखंड है, 23 साल का झारखंड में रोजगार को, रामगढ़ को रोजगार से जोड़ पाए हैं क्या? कोई भी विधायक बन, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, क्या कोई भी विधायक यहाँ के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ पाए हैं क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले नॉमिनेशन में काफ़ी सारे लोग छात्र जो थे वो लोग विरोध कर रहे थे, रोजगार से जोड़ पाए हैं? आज तक तो ऐसा कोई भी सरकार को हम नहीं देखे। आज हम यहाँ रामगढ़ का बात कर रहे हैं, कम से कम 50% लड़का ग्रेजुएट है, PG किया हुआ लड़का है, लेकिन सरिया सटरिंग काम करने रांची जाता है, हजारीबाग जाता है, यहाँ तक कि दिल्ली तक काम करने जाता है, पढ़ा लिखा लड़का लोग, शायद कभी हम भी गए हैं, ये स्थिति है यहाँ का। आप भी राज्य से बाहर काम करने के लिए? हम भी राज्य से बाहर गए हैं काम करने के लिए। किसका गलती देख रहे हैं, रामगढ़ की जो जनप्रतिनिधि है या फिर जो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री है या कोई? सभी दोषी हैं, सभी दोषी हैं, हम किन्हीं एक का नाम लेना नहीं चाहेंगे, सभी जनप्रतिनिधियों का दोष है। सिर्फ चुनावी मुद्दा में लिखते हैं कि हम यहाँ पे रोजगार देंगे, चुनावी मुद्दा में बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बड़े बड़े क्या बोलते हैं मैनिफेस्टो में लिखा जाता है, लेकिन आज तक एक कोई भी जमीन में उतर के काम नहीं किया। घर घर झंडा लगाते हैं, अभी देखिए अब लगेगा कि ऐसे झंडा सभी पार्टी सभी घर में झंडा लहरा रहे हैं, वही झंडा का जो पैसा है वो अगर जमीनी स्तर में काम किया जाता, बैनर पोस्टर के जगह लोगों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं रामगढ़ के लोगों को एक इच्छा पूर्वक वोटिंग में खुशी से मतदान करते। आज तक तो हमने कोई नेता को देखा नहीं कि जमीनी स्तर पे काम किया, सिर्फ हवाबाजी का बात करता है। जो आप तो कह रहे हैं कि जो सही से काम को करने, लेकिन इलेक्शन तो होगा, जो चुनाव है आप लोग वोटिंग भी करेंगे, तब कैसा उम्मीदवार चाहते हैं जो रामगढ़ के लिए कुछ करे, कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? देखिए उम्मीदवार तो हमको एक ही अभी लगता है पूरा झारखंड में, वो है हमारा टाइगर दादा। तो टाइगर तो लेकिन पूरा झारखंड की बात कर रहे हैं लेकिन विधानसभा रामगढ़ में जो उपचुनाव हो रहे हैं, मतलब कैसे प्रत्याशी चाहिए जो क्या करे आपके क्षेत्र के लिए, जो आपको ज्यादा लगता है कि उस चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? आपके का कहना मतलब कि टाइगर हमारा क्षेत्र का बने तो हम नहीं, टाइगर हम ये क्षेत्र का बात नहीं बोल रहे हैं, टाइगर को तो हमें उस जगह पे पहुंचाना है कि सारे झारखंड को देख सके। और ये रहा इस रामगढ़ उपचुनाव का बात, यहाँ पावर और पैसा का खेल चल रहा है, पावर और पैसा, मतलब और ज्यादा पावर चाहिए और पैसा चाहिए बस, पब्लिक के लिए कुछ नहीं, पब्लिक के लिए कोई नहीं चाहता। इससे पहले ममता देवी थी, 3 साल ममता देवी थी, तो क्या अधूरा काम छूट गया है? फिर से बहुत सारे प्रत्याशी आए, कौन सा काम छूट गया, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है? ममता देवी भी लगभग हम ये नहीं कहेंगे उनका कार्यकाल की बेहतरीन रहा,
जो भी था 3 साल का, पर बुरा भी नहीं कह सकते हैं, काम वो शुरुआत कर रही थी, पर उनका एक निजी था, एक आंदोलनकारी थी, गोलीकांड हुआ गोला में, उनको जो भी न्यायालय सजा दिया उसका तो भाई हम सम्मान तो करना पड़ेगा, ताकि संविधान के तहत उनको जो भी निर्णय लिया गया। मैंने आज भी रामगढ़ में अधूरा काम देख रहे हैं। हाँ, आज भी रामगढ़ में अधूरा काम, शिक्षा, अस्पताल, कुछ भी आप देखें तो हर क्षेत्र में अधूरा है। अभी जब लोग हम लोग आ रहे थे रांची से, जब रामगढ़ आ रहे थे, तो बहुत सारे पहाड़ को तोड़कर वहाँ पत्थर निकाला जा रहा है, उत्खनन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी तो प्रकृति का ह्रास कर रहे हैं। देखिए, आपका ये हमारा ही इलाका में है, एक बहुत बड़ा माइंस है, आपको वहाँ गिट्टी वगैरह पत्थर तोड़ के निकाला जाता है, उसके वजह से हम लोग कम से कम 10 साल से उस रोड का हम लोग को चलने फिरने में व्यवस्था, मतलब बच्चे लोग भी वही रोड से साइकिल से स्कूल जाते हैं, मतलब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इतना दिक्कत होता है, लेकिन वहाँ वही रोड से डेली 50-100 हाईवा निकलता है। हमारे यहाँ के मंत्री लोग का है वो माइंस, नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो मंत्री लोग का खतियानी जमीन है वहाँ? खतियानी नहीं, यहाँ के लोग पब्लिक को बुड़बक बना के लीज पे लेके यहाँ ही, वहाँ को रोजगार नहीं मिल रहा उस खदान में, वहाँ भी, में। उसमें भी बाहरियों लोग का है, वहाँ भी मुंशी करेगा तो बाहरी करेगा, जो भी काम करता है सब बाहरी करता है। उत्खनन हो रहा है तो आप लोग को रोजगार वहाँ नहीं जोड़ पा रहे, यहाँ के विधायक मंत्री जो भी है रोजगार से नहीं जोड़ पा रहे हैं आज तक? तो मैं तो वही बोला, किसी कोई भी सिर्फ फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिल रहा है, उससे ज़्यादा कोई रोजगार का काम नहीं मिल रहा है। तो चुनाव के बाद जो भी यहाँ से जीतते हैं, क्योंकि जब चुनाव होने हैं तो कोई एक उम्मीदवार तो जीतेगा, विधायक यहाँ का बनेगा, तो उससे क्या अपेक्षा रखते हैं कि रामगढ़ में क्या जो है होना चाहिए? हम तो चाहते हैं, देखिए अब रोड नाली और बिजली का बात नहीं करेंगे, हम चाहेंगे बेरोजगार लड़कों के लिए नीति नियम बने, रोजगार पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, क्या कि अरे उसके लिए तो मुखिया, सरपंच, वार्ड, जिला परिषद सब तो रोड नाली बिजली के लिए तो बनाते ही हैं, क्या आप विधायक को भी इस काम के लिए लगाइएगा? तो कौन देखेगा बेरोजगार युवा को? जब तक बेरोजगार युवा को नहीं देखेगा, झारखंड नहीं जगने वाला है, और झारखंड का नाम बढ़ने वाला भी नहीं है, झारखंड का पहचान भी नहीं मिलने वाला है, जब तक युवा के लिए आप कुछ नहीं कीजिएगा। अच्छा, ये सब चीज़ों को लेकर के तो बातें हो गई, आपके क्षेत्र के बारे में बात हो गया, संस्कृति के बारे में बात हो गया, अधिकार के बारे में बात हो गया, चुनाव उपचुनाव के बारे में भी बात हो गया, अब हमारा यहाँ पर क्या करना है? हमारा क्या क्या करना है मतलब? अभी अभी हम लोग तो अभी दातुन गए, पहले मुंह धोके स्नान करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, उसके बाद पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए आप लोग को चलिए घुमाते हैं रामगढ़ जिला। तो रामगढ़ की जनता तैयार रहिए, हम लोग आ चुके हैं आप लोग के बीच पहुँचने के लिए। सभी को जोहार रहतो भाई, जोहार जोहार जोहार, सभी को जोहार, आवाज उठाओ नहीं से राहुल मोदक दा, जोहार जोहार, क्रांतिकारी आंदोलनकारी दादा आनंद केटियार दा, जेबी केसर से इधर कत्यानी यूट्यूबर देव माता दा, और हम खुद जितेंद्र ब्लॉग, और हमारे गांव के एक युवा लड़का है श्रवण कुमार। ठीक हो तो सभी की जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। तो फिलहाल अभी हम लोग का जो है बाकी दिन भर का काम स्टार्ट होने वाला है, बाकी आप सभी का धन्यवाद, जोहार रहेगा।